डियर लर्नर, लास्ट लेसन तक हमने सभी प्रोटोकॉल्स कंप्लीट कर लिए, उन प्रोटोकॉल्स के एप्लीकेशन देखे, डिफरेंस देखे, और वो OSI लेयर में कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है उनके पोजीशंस को देखा। अब जो है वो टॉपिक ख़त्म हो रहा है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंटरनेट सर्विसेज एंड देयर एप्लीकेशंस। इसे आपके सिलेबस में वेब सर्विसेज के नाम से भी दिया हुआ है, मगर वेब सर्विसेज असल में कुछ और होता है। फिर भी अगर क्वेश्चन पेपर में आपको वेब सर्विसेज करके कोई सवाल आया तो आप ये इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड डेटा लिखना। तो शुरू करते हैं। इंटरनेट सर्विसेज या फिर दूसरे शब्द में सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एक वर्ड में कहें तो डेफिनेटली ये सर्विसेज हो गए। और कैसे डिलीवर किए जाते हैं? थ्रू द इंटरनेट यूज़र्स को डिलीवर किए जाते हैं। और एक किस फैशन में? क्विकली एंड ईजीली, आसानी से और तुरंत तुरंत डिलीवर किए जाते हैं इन सर्विसेज को। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, कम्युनिकेशन सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें आप 9 से पढ़कर आ रहे हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस देखेंगे, जिसमें कि एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल्स भी उसके बाद। एग्जाम्पल्स पिछले सेशंस के पुराने सिलेबस के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि कुछ ई गवर्नेंस वेबसाइट्स बताइए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ रही है। ई कॉमर्स की वेबसाइट के नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पे पूरा स्लाइड छोटा पड़ जाएगा, इतने आपको खुद ही याद होंगे। फिर इसके बाद ई गवर्नेंस वेबसाइट के लिए देखो, ये जो भारत सरकार की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वो है india.gov.in। इसके बाद जो है पोस्ट ऑफिस के लिए ये हो गया, पासपोर्ट के लिए ये हो गया, passportindia.gov.in। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस यानी कि ऐप्स जो हो गया, स्काइप हो गया, व्हाट्सएप हो गया एंड व्हाट नॉट। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, datacommunications.com, cloud4c.com। ये तो कुछ एग्जांपल हो गए। अब इंटरनेट सर्विसेज के एडवांटेजेस क्या हैं? इसका जो शॉर्टकट आपको याद रखने के लिए बनाया गया है वो है SSC। तो पॉपुलर एक सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली कमीशन का नाम हो गया। फिर RGT फॉर राइट एंड वॉल फॉर वॉल, दीवार। अब ये बेसिकली है क्या, पहले ऐसे जो है शेयर, यानी आप डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विसेज का एक एग्जांपल हो गया कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन ऐप्स, जिसका एक एग्जांपल हो गया व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं ना डेटा शेयर करने के लिए। मैसेज भेजना है आपको, टाइप किया, टच किया, पहुँच गया, तो इसीलिए आपका शेयर हो जाता है डेटा। फिर उसके बाद दूसरे ऐसे हो गया, आप स्केल अप कर सकते हैं किस चीज़ को, अपने ऑपरेशंस को। देखो ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं, बिग बिलियन डेज में फ्लिपकार्ट ने कितना सेल किया, है ना। इतना सेल अगर वो फिज़िकल तौर पे करना चाहता, यानी एक दुकान खोलकर, मॉल खोलकर करना चाहता, इतने ही डिस्काउंट देकर, वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि भाई हर कस्टमर को क्यू में लगना पड़ता, लाइन में खड़े होकर इतनी देर तक, कौन क्या रिफंडिंग, 10 तरह के मतलब झमेले हैं, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको अपना ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इंटरनेट सर्विसेज का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इट्स मच हेल्पफुल टू स्केल अप योर ऑपरेशंस। फिर इसके बाद आपका सी फॉर कम्युनिकेशन आता है। अगेन आपको क्विकली कम्युनिकेशन करना है, इंटरनेट सर्विसेज यूज़ कीजिए, बजाय कि आप पोस्ट ऑफिस जाकर अपना लेटर को लगाएं या टेलीग्राम को यूज़ करें। अब इस टेक्नोलॉजी, इस ज़माने में तो कई आप में से लोग जानते ही नहीं होंगे टेलीग्राम क्या होता था। हमारे टाइम में इंग्लिश के सब्जेक्ट में क्लास 10th में पूछा जाता था कि आपको टेलीग्राम भेजना है इस टॉपिक पर अपने उस फ्रेंड को, तो चलो टेलीग्राम लिखो। खैर आज तो उस ज़माने में पता ही, आज तो पता भी नहीं क्या होता होगा आपको। नेक्स्ट हो गया आपका आर फॉर हो गया रियल टाइम, रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मतलब उसी वक्त जो चल रहा है ना, उस चीज़ को, इवेंट्स को या प्रोसेस को मॉनिटर करना। फॉर एग्जांपल कुछ बड़ा इवेंट होता है तो सिक्योरिटी के लिए पुलिस जो है अपने CCTV कैमरा या ड्रोन कैमराज की मदद से जो नेटवर्क बनाती है, तो पूरा एरिया का वो रियल टाइम मॉनिटरिंग कवर करती है। फिर इसके बाद हो गया जी फॉर GPS हो गया। तो GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसके ज़रिए आप अपनी लोकेशन 2 फीट के प्रिसीजन से आसानी से कहीं भी देख सकते हो और नेविगेट आसानी से कर सकते हो गूगल मैप्स में GPS की मदद से। तो ये भी जो है कैसे पॉसिबल है, ये जो है आसमान में घूम रही जो नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद से पॉसिबल हुआ है, है ना। फिर उन सैटेलाइट के नेटवर्क से आपका मोबाइल जुड़ा हुआ है उनके नेटवर्क से, इस वजह से आपका GPS जुड़ा हुआ, इस वजह से GPS काम करता है, जो कि एक इंटरनेट सर्विस का एग्जांपल हो गया। फिर आता है आपका टी फॉर ट्रांसपेरेंसी।
इट मेक्स प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। अब देखो ये मज़ेदार है, जब रंगत में हम लोग रहते थे तो मेरे दांत ख़राब हो गए थे, तो दांत तो पहले से ख़राब थे। खैर मैं रंगत में जब गया तो थोड़ा बड़ा एक टाउन था, वहाँ जब हॉस्पिटल में मैं गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था ऑफकोर्स, तो वो जो डॉक्टर था बड़ा अच्छा, बड़ा मतलब हम्बल डॉक्टर था। जब भी मैं उसके पास जाऊँ 3-4 महीने के बाद, वो मुझे प्यार से कहता था अभी मशीन ख़राब है, इसका इलाज इम्पॉसिबल है। और फिर मतलब इतना लगा क्या उसको परेशान करें, उसको उसके पास मैंने फिर जाना छोड़ दिया। फिर इसके बाद समर वैकेशन में वापस घर आना हुआ, तो कैपिटल सिटी से होकर आना रहता था। कैपिटल सिटी यानी कि पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे यूनियन अंडमान निकोबार यूटी का जो चीफ हॉस्पिटल है जीबी पंत, वहाँ पे हम लोग गए। तो वहाँ पे जो सीनियर डेंटिस्ट है उसको हमने दिखाया, तो उस दिन वो बंदा पी कर आया हुआ था सर्विस पे। और जब मैंने कहा जब वो आया पहली बात लेट, मैं बैठा हुआ था पेशेंट सीट पर, पूछा क्या हुआ, मैंने बोला दांत ख़राब है, तो वो बोला कहाँ ख़राब है, तो मैंने बोला कि अपर मोलर टीथ ख़राब है राइट साइड में। तो फिर मेरा मुंह अपने हाथ में लेकर बोला थोबड़ा दो। उसके बाद कहता है कहाँ ख़राब है, मैं बोला सर इस तरफ ख़राब है, उंगली दिखाकर बोला। फिर वो थोड़ा टॉर्च मार कर देखा, फिर अपना लेंस वगैरह चीज़ें लगा कर देखा। उसके बाद स्लिप पर कुछ टेस्ट लिख कर दिया और बोला ये सब करा के आओ। उसके बाद मैं सोचा हटाओ यार, ये एक दांत है, उसने मेरे मुंह में अगर ड्रिल लगा दी तो पूरा चेहरा भी पहचान में नहीं आएगा। तो मतलब मैंने कंटिन्यू नहीं किया फिर वहाँ पे इलाज। और आप खुद सोचो, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे के रखी हुई है उस जगह में गवर्नमेंट ने, मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, बड़े शहरों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सारी फैसिलिटीज़ देखने मिलेंगी। और वहाँ के कुछ ह्यूमन रिसोर्स, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि गवर्नमेंट का पूरा इंटेंशन ख़राब कर देते हैं, है ना, उतना पैसा पूरा वेस्ट हो जाता है और सिटीजन्स को फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। खैर तो ये ट्रांसपेरेंसी वाला टर्म उस इंसिडेंट से कैसे रिलेट करता है? अगर मान लो ये RTI राइट टू इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम है, एक्ट है, उस टाइम लगा रहता और इंटरनेट सर्विस रहती, तो मैं इंटरनेट के ज़रिए ये सारी चीज़ों अपने क्वेरी को, अपने कंप्लेंट को लगा कर, या फिर वेबसाइट में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे कॉन्टैक्ट करके इस चीज़ को कन्फर्म कर पाता कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। वो सही में रंगत के हॉस्पिटल में मशीन थी नहीं, या किसी ने मशीन का पैसा मार लिया, या फिर वो डॉक्टर तक मशीन आ गई लेकिन वो अपने हम्बलनेस के पोशाक के पीछे कुछ और ही छुपा रहा है, या फिर और इससे भी जो भी चीज़ें, मतलब पता चल सकता कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ थी, वो ट्रांसपेरेंसी रहती ये ऑफिशियल्स के, अथॉरिटीज़ के एक्शंस में। तो वो ट्रांसपेरेंसी कैसे पॉसिबल है? वो ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल है इंटरनेट सर्विसेज की मदद से। फिर इसके बाद आ जाता है आपका W फॉर वर्क। तो अभी देखो आज के ज़माने में कितने सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, जो इतने अमीर हैं लेकिन वो ऑफिस जाते ही नहीं, वो दुनिया घूमते रहते हैं और वहीं से अपनी सारी डीलिंग्स करते हैं। कैसे पॉसिबल है? अगेन इंटरनेट सर्विसेज, जो भी चीज़ें होती हैं इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होता है भेज देते हैं और काम चलता रहता है उनका। फिर इसके बाद आता है आपका ए फॉर अकाउंटेबल। देखो अकाउंटेबल वही ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ हो गई। अगर कहाँ पे डेंटिस्ट के मशीन का हिसाब था वो पता चल जाता तो जो अथॉरिटीज़ थे वो ज़्यादा अकाउंटेबल होते, है ना, लेकिन वही चीज़ है, अब क्या करें, सबका टाइम आता है। फिर इसके बाद एल आ गया। एल के बाद लर्निंग। अब आपके ज़माने में देखो इतना, मतलब इतने ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल हैं, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। आपके ज़माने के चैलेंजेस भी बदल गए। आपके ज़माने में मोबाइल खोलो तो, मोबाइल पे यूट्यूब खोलो तो लर्निंग मटेरियल भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे और डिस्ट्रैक्ट करने वाले मटेरियल भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे।
तो ये आपका चैलेंज है, आपको खुद से डिसाइड करना है अपने पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है, अपने फोकस को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन एक चीज़ तो तय है, आप इंटरनेट सर्विस की मदद से कई गुना आसानी से कम टाइम में लर्न कर सकते हो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से, जैसे कि खान अकेडमी डॉट ऑर्ग हो गया माई मोस्ट फेवरेट, और इसके बाद अन अकेडमी भी हो गया इंडिया में, और वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ट्यूटर्स उस पर भी पढ़ाते हैं। फिर तो ये तो रहा मतलब एडवांटेजेस। अब एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एप्लीकेशंस दो सेक्टर्स में मैंने क्लासिफाई किया है, एक हो गया ई गवर्नेंस, दूसरा हो गया ई कॉमर्स। तो ई गवर्नेंस में देखो, पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेनी है दोनों के लिए कि एप्लीकेशन जब पूछेगा ना, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मत लिख देना, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, IRCTC, रेल कनेक्ट, ये सब मत लिख के आ जाना। एप्लीकेशन मतलब किस तरह से उसे आप इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशन में पहला ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन हो गया कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आधार कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ये तीन चीज़ें मैंने एक ही लाइन में लिख दी हैं, आप चाहो तो इसको तीन अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो, ये तीन पॉइंट हो जाएंगे। फिर इसी तरह RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, या फिर IT रिटर्न दाखिल करा सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न। फिर इसी के बाद आप को गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट से कोई ग्रीवेंस है, तो उसी उस चीज़ को आप ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हो। फिर इसके बाद गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में ही देखो कितने सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, वो डिपार्टमेंट में भी जो कम्युनिकेशन होती है ब्यूरोक्रेसी की वजह से कितना टाइम लेती है। इस चीज़ को भी आसान बनाने के लिए हम इंटरनेट सर्विस को ई गवर्नेंस में यूज़ करते हैं। इसका सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ICT या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ई गवर्नेंस। तो यही सारे आंसर रहेंगे, ध्यान रहे आपको। फिर नेक्स्ट हो गया इन केस ऑफ ई कॉमर्स, इसका एप्लीकेशन हो जाएगा STOB SHT। अब आप बना लो इससे आसान शॉर्टकट। तो स्टॉ से क्या होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक। तो देखो, स्टॉक मार्केट में अब आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा, आप सीधा मोबाइल पे बैठ के, कई सारे ऐप्स आ गए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। फिर बी फॉर बैंक, आपको अब पासबुक अपडेट करने के लिए बैंक नहीं दौड़ना है, अपने मोबाइल से जो है आप हर मंथ की स्टेटमेंट शीट को डाउनलोड कर लो, और उसे आप सॉफ्ट कॉपी में, उस सॉफ्ट कॉपी को आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लो, है ना। तो ये तो हो गया बैंक नहीं जाना है। फिर अगले एस से होता है आपका शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग आपको पता ही है, ई कॉमर्स का मेन पार्ट हो गया। फिर एच फॉर हैबिट, अब देखो आप अमेज़न ओपन करते हो, मैं अमेज़न ओपन करता हूँ, दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिर्फ अमेज़न ही नहीं, आपका गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, सभी चीज़ें आप कस्टमर के हैबिट को नोट करते हैं कि वो कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, कस्टमर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और फिर उनके डेटाबेस में ये कलेक्ट होता रहता है कि कस्टमर को क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो इस तरीके से जब आप उस वेबसाइट को फिर से विज़िट करोगे, तो आपको वही चीज़ें, आपके इंटरेस्ट के सिमिलर चीज़ें दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है, कस्टमर का डेटा को कलेक्ट करके होता है, ये भी एक एप्लीकेशन हो गया ई कॉमर्स का। देन फाइनली टी फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स अगेन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, DFTBA।